हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और देव के पापा चले गए हैं ड्यूटी पर, खाना वगैरह खाकर। और देव है घर और गौरव सोया हुआ है, तो देव भी खाना खा रहा है। देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। और गाइस, गर्मी है बहुत ज़्यादा पर आज तो ठंडी हवा चल रही है। और हमारा आम का पेड़ बहुत अच्छा फूट कर चुका है, बस लहरा रहे हैं तुलसी के भी पेड़। तो अमरूद पर तो अमरूद आ चुके हैं, देखो कब पकेंगे ये। बरसात में पकेंगे शायद सावन के महीने में। तो भाई आज गौरव बना रहा है होममेड चाउमीन। गौरव देव को ये देखिए, ओहो ये तो वो हो जाए। ओ ये देखिए होममेड चाउमीन कैसे बनते हैं। ये जवे की जवों को हमने उबाल लिया है और यहाँ पर तड़का लगा दिया है टमाटर प्याज का। इसके अंदर ही डालेंगे। खाना वाना खाकर थोड़ी देर सो गई थी और अब उठी हूँ और गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो बच्चे बोले मम्मी कुछ बना देते हैं खाने के लिए, तो हमारे पास थोड़ी सी जगह रखी हुई थी, हमने उबाल कर इनको चाउमीन की तरह फ्राई कर देंगे। देखिए गाइस, हम लगा देते हैं होममेड चाउमीन जो हमने बनाई थी अपने लड्डू को बहुत। और लस्सी ली है हमने, तो चलिए वही खा ली थी लड्डू जी। जा गया भाई लड्डू का तो चाउमीन मिल गई आज। और अब हमारे लड्डू अपने आप खा लिए। देव को देखते हैं क्या करते हैं। मैं कर लेती हूँ किचन साफ क्योंकि बर्तन हो गए हैं हमारे बहुत ज़्यादा। खाली कट्टा तुम्हें ले जा डाल के, जो फालतू बच्चा उन बच्चों को दे दी और बचेगी खाओगी। मैं नहीं खाऊँ। तो भाई गाइस, मैं और मेरा लड्डू बैठे हैं बाहर लोबी में क्योंकि आज गर्मी है बहुत ज़्यादा। अब तो आगे आगे ऐसी ही गर्मी आएगी, क्या करें। तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैंने कूलर भी चलाया हुआ है। और भाई गौरव के दोस्त का आया था फोन कपिल का बुलंदपुर से, तो गौरव को बोला गौरव सब्जियाँ और खरबूजे ले जा क्योंकि उन्होंने अपने खेत में उगाए हुए हैं सब्जियाँ और खरबूजे। तो देखते हैं गौरव क्या क्या लेकर आएगा। गया हुआ है वो वहाँ पर। और मैंने बना ली है बच्चों के लिए आलू और छोले की मिक्स करके सब्जी, तो अभी बनाने ही लग रही हूँ मैं। तो छोले तो मैंने उबाल दिए हैं और तड़का कर दिया है मैंने तैयार, क्योंकि हमारे बच्चों को है आलू और छोले की सब्जी बहुत पसंद। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन रहे हैं और यहाँ पर उबाल दिए हमने। और गाइस, शाम की चाय हमने पी ली थी सभी ने। और भाई क्या करें, गर्मी में बुरा हाल है कुछ। सब्जी में डाल दिया है हमने पानी, छोले आलू, और अब हम इसको उबाल आने देते हैं सब्जी को। देखो भाई, हमने सभी पेड़ पौधों में पानी दे दिया है क्योंकि गर्मी की वजह से सभी सूख गए थे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को नहीं, मट्टी मट्टी सूखी थी। और कूलर भी हम भर लेते हैं पानी दे दिया हमने अमरूद के पेड़ में भी। जी में आ गया है उबाल, ये देखिए। ये लो भाई, हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। सब्जी का तो काम हमारा हुआ खत्म। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। ये बच्चे लेकर आ गए हैं खरबूजे। सब्जी नहीं थी, कुछ सब्जी नहीं बोई हुई थी, खरबूजे वो रखे डाल ले। चमनते भी दे दिए, ले ले चमनतू भी। तो भाई कपिल ने भिजवाए हैं खरबूजे, ये देखिए आ गए खरबूजे घर। तो ये देखिए आ गए हैं खरबूजे और लेकर आया है आर्यन। और ये दोनों भी, ये कहाँ छुप रहा है, ये दरवाजे के पीछे। लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है ये, लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है। ये करवा लेगा क्या है, क्या है वो नहीं कर रखा भी है। ओहो ऐसे ही अच्छी आती है फोटो में। तो भाई ये देखिए इतना भारी तरबूज है, कम से कम 10 किलो का है। और इसका बनाएंगे हम कुछ रेसिपी, कल पीने काट देंगे और कुछ पीने के लिए। चलिए अब रख देते हैं हम इसको फ्रिज में। देखिए भाई तरबूज और खरबूजे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, पर फ्रिज में हमारे जगह ही नहीं है बनाने में, इतना भारी है टूटना। मिर्च का अचार क्यों रख रखा है फ्रिज में? अरे गर्मी में घर का दिख खराब हो जाए। ये वो अचार है जो तेरे पापा ने लिया। ये तारू खरबूजे भी डल लगा दूँ खाना। और मैं लगा देती हूँ अपने लड्डू को खाना दे दूँगी। तो आज ही गाइस आप भी खा लीजिए गर्म गर्म खाना। ये देखिए हमारे लड्डू को छोले की सब्जी बहुत ही पसंद है, लस्सी भी पियेंगे खा लेंगे हमारे लड्डू अपने आप खाना।